गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बी एड सेकेंड ईयर के लिए और हमारा जो क्लास है जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। फर्स्ट पेपर है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी यूनिट चलती थी वो है फर्स्ट। और हमारा जो आज का जो प्रकरण है वो है लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान। लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान, लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान, लिखा हुआ या फिर जो यूं कहें कि जो तथ्य पर आधारित हो। पिछली क्लास में हमने संदर्भात्मक ज्ञान पढ़ा था। संदर्भात्मक ज्ञान को एक परिचयात्मक ज्ञान भी कहा जाता है जो कि संदर्भ के अंतर्गत तो होता ही है, साथ में प्रत्यक्ष रूप से जिसका परिचय एक छात्र कर सके, ठीक है, या फिर यूं कहें कि जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके प्रत्यक्ष रूप से। तो वो संदर्भात्मक ज्ञान हमने पूरा पढ़ लिया था। उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसकी उपयोगिता होती है, उसका बेसिक्स ज्ञान क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक को पूरा फिनिश ही कर लिया था। और दोनों था संदर्भात्मक ज्ञान और लिखितात्मक ज्ञान। संदर्भात्मक ज्ञान का हमने पूरा देख लिया। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा नया टॉपिक जो है लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान, जो लिखा हुआ हो या फिर जो तथ्यों पर आधारित हो। इसके अंतर्गत क्या है कि लिखित ज्ञान तथ्यों से परिपूर्ण होता है। लिखित ज्ञान तथ्यों से परिपूर्ण होता है, उसमें सारे सारे तथ्य ही होते हैं, ठीक है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, लेकिन उसमें तथ्य दिए जाते हैं, जैसे तथ्यात्मक ज्ञान के रूप में माना जाता है। तथ्यात्मक ज्ञान ज्ञान श्रृंखला का तृतीय प्रकार है। तथ्यात्मक जो ज्ञान है वो किसका है, ज्ञान ज्ञान श्रृंखला का, ज्ञान श्रृंखला का है कौन सा प्रकार है, तीसरा, ठीक है। तथ्यात्मक ज्ञान ज्ञान श्रृंखला का, जो भी ज्ञान के अंतर्गत जो भी श्रृंखला आती है, जो भी प्रकार आते हैं, ठीक है, उसका ये कौन से नंबर का आता है, तीसरे नंबर का ज्ञान आता है, तीसरे प्रकार का। इस ज्ञान के अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में कोई दावा या तथ्य निश्चित किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य के मूल में जो तथ्य छिपा होता है वह इस ज्ञान का प्रमुख अंग होता है। जो जो तीसरे नंबर का जो ज्ञान है या फिर यह कि जो ज्ञान श्रृंखला का जो तथ्यात्मक ज्ञान है, इसके अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु या व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, दावा किया जाता है, दावा किया जाता है और तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु या फिर व्यक्ति के प्रति दावा किया जाता है और उससे संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि ज्ञान का प्रमुख अंग होता है। जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो क्या है, वो है ज्ञान का प्रमुख अंग, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का प्रमुख अंग है कि जिसमें तथ्य किए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहा जाता है, तथ्यात्मक ज्ञान। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान कहा जाता है। उसको उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस वाक्य में एक शर्त या दावा छिपा हुआ है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें क्या है, एक दावा या फिर एक प्रकरण एक तथ्य छुपा हुआ है कि भाई कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की क्या होती है, परिक्रमा होती है। यह दावा ही इस ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान की श्रेणी में रखता है। ये जो दावा है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और क्या है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जाती है। एक तो नॉर्मल सी बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की
ये इसका एक उदाहरण है। आगे क्या है कि जैसे पदार्थ के तीन रूप होते हैं, जैसे पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ये भी क्या है, दावा है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ये क्या तथ्य है, ये दावा है। ठीक है, फिर तीन प्लस चार कितने होते हैं, सात, ये दावा है। विद्यालय के अंतर्गत स्पष्ट रूप से विद्यालय के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। इस प्रकार के ज्ञान में विवरणात्मक या वर्णनात्मक ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी उनका भाषा दृष्टि से व्यापक रूप में वर्णन किया जाता है। जो विद्यालय के अंतर्गत ज्ञान जो होते हैं प्रयोग, उनको उसका वर्णनात्मक होता है। ठीक है, यानी कि उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से या प्रयोग है कि व्यापक रूप से लिखा जाता है, ताकि उसका और अधिक महत्व और उसकी स्पष्टता बढ़ जाए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान। लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान जिसके अंदर क्या होती है कि चीजें लिखी जाती है तथ्य के आधार पर होती है और दावे के आधार पर होती है। तथ्यात्मक ज्ञान है उसको ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत तीसरे स्थान पर रखा गया है। तथ्यात्मक ज्ञान को ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कौन से स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, और ज्ञान तथ्यात्मक के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु होती है या जो भी व्यक्ति के प्रति जो चीजें क्या होती है, दावे किए जाते हैं, दावा किया जाता है और दावे से ही तथ्य वस्तु होता है, जो कि क्या है, ज्ञान का प्रमुख अंग होता है। जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो ज्ञान का प्रमुख अंग कहलाता है। अब इससे ही संबंधित क्या है कि जो तथ्य होते हैं उनको ज्ञाता भली भांति जानता है, इसलिए हम उसको सच मानते हैं। तथ्य तभी साबित होंगे जब वो पूर्ण तरह सत्यता की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। ठीक है, जो तथ्य है वो ज्ञाता भली भांति जानता है और जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तथ्यात्मक ज्ञान कहा जाता है। तथ्यात्मक ज्ञान या फिर यूं कहें कि लिखित ज्ञान मुख्यतः कहाँ पर प्रमुख रूप से विद्यालय के अंतर्गत अपनाया जाता है, और विद्यालय में इसको वर्णन के रूप में, वर्णनात्मक रूप के ज्ञान के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो बी ए सेकेंडरी के लिए थी और हमारा विषय था ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। हमने आज लिखी थी या तथ्यात्मक ज्ञान पढ़ा है, इसका एक बेसिक हमने जाना है, बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के डिटेल में जाने से पहले या उसके गुण अवगुण विशेषता उपयोगिता ये सारी चीज़ें पहचानने से पहले हमें इसका बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो हमने आपको पढ़ लिया है कि भाई लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कहाँ पर से ज़्यादा उपयोग आता है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से तथ्य या कौन कौन से दावे किए जाते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं, ये सारी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली हैं। हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिखित ज्ञान की विशेषता, लिखित ज्ञान की विशेषता। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो इसको संदर्भात्मक ज्ञान से अलग बनाती है, संदर्भात्मक ज्ञान से एकदम हटकर इसको ले जाती है, ऐसे उसमें कौन सी अवश्य उसकी छुपी हुई होती है जिसको अलग दूसरों से अलग करती है, यानी कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। मुख्य रूप से किसी बात है संदर्भात्मक ज्ञान की वजह से इसकी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की करने वाली चीज़ें थी और ये क्या है, एक प्रकार से वर्णनात्मक विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कुछ भी समझ में आए आप उसे पूछ लेना।